हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मिचेल मॉर्बियस यानी कि लिविंग वैम्पायर का ओरिजिन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नए नए कंटेंट देख सके और आप अपना रिक्वेस्टेड कंटेंट भी इस चैनल पर देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिचेल मॉर्बियस जो कि पैदा हुआ ग्रीक में, उसका बचपन सबसे अलग थलग गुजरा उसकी रेयर ब्लड कंडीशन की वजह से, और वो इस वजह से सबसे अलग और अगली दिखता था। लेकिन इसके बावजूद वो एक इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड यंग मैन था जिसने अपना पूरा समय बुक्स रीड करने में बिता दिया, जिस वजह से वो एक हाई रिस्पेक्टेड नोबेल प्राइज विनिंग बायोलॉजिस्ट बन गया जो कि स्पेशलाइज्ड था ह्यूमन और एनिमल बायोलॉजी में। जब वो न्यूयॉर्क आया अपना होम टाउन छोड़कर, तब उसने अपनी वैम्पायरिक कंडीशन ठीक करने के लिए बहुत सारे क्योर ट्राई किए। उसकी इस हॉरिफिक कंडीशन के पीछे का राज यह था कि उसने खुद को क्योर करने की कोशिश की अपने ब्लड के साथ। वो अपना खुद का एक्सपीरियंस जो कि एक्सपर्ट बायोकेमिस्ट का था उसके साथ, उसने खुद का ब्लड वैम्पायर बैट डीएनए के साथ इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी से मिक्स किया और खुद पर ट्राई किया। लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा निकला और वो बन गया सीडो वैम्पायर। एक सीडो वैम्पायर बनने की वजह से उसने एक लेजेंडरी वैम्पायर्स की सारी पावर्स और ब्लड थर्स्ट मिमिक कर ली, यानी कि उन्हीं के जैसे उसके पास पावर्स और खून की प्यास आ चुकी थी। ब्लड को डाइजेस्ट करने की वजह से उसके पास लाइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग अवर्जन आ चुका था और उसने कुछ एबिलिटीज गेन कर ली जैसे कि उड़ना, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और हीलिंग एबिलिटीज। उसका अपीयरेंस जो कि पहले से ही बहुत अगली था, उसमें चार चांद तब लग गए जब उसके कैनी टिप्स बाहर आकर फैंग में बदल गए और उसकी नाक चपटी होकर बैट जैसे दिखने लगी। उसकी स्किन चॉक व्हाइट हो गई और उसके पास एक एबिलिटी आ गई जो कि थी दूसरों को लिविंग वैम्पायर्स में बदलने की, उन्हें काट कर। और इस वजह से वो अपने इस शेडो वैम्पायर डिजीज को सब में फैला सकता था। और अगर आप मिचेल मॉर्बियस का एक और वर्जन यानी कि जॉम्बी वर्जन देखना चाहते हैं तो आप मॉरल जॉम्बीज 4 देख सकते हैं। पावर्स। एक सीडो वैम्पायर होने की वजह से वो अब एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, लेकिन उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन मिस्टिकली नहीं था बल्कि साइंटिफिक था। लेकिन ऑकेजनली उसमें कुछ मिस्टिकल एलिमेंट्स नजर आने लगे थे जिस वजह से उसे काफी सारी सुपर पावर्स मिली थी, जिसमें थी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर, फैंग्स एंड क्लॉज, मेमोरीज और वैम्पायर क्रिएशंस। और इसी के साथ वो सारी वैम्पायर वल्नरेबिलिटीज से इम्यून था, जैसे कि सनलाइट में जाना, बाकी भी और कुछ। और इस वजह से वो एक लिविंग वैम्पायर बन चुका था जिसे हराना लगभग नामुमकिन हो चुका था। एबिलिटीज। जीनियस इंटेलिजेंस। मॉर्बियस एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था स्पेशली बायोकेमिस्ट्री में। उसने उसी के साथ साथ बहुत सारे और टॉपिक्स में भी महारत हासिल कर ली थी और उसने बायोकेमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी जीत लिया था। उसने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं की, लेकिन उसकी पावर्स ने उसे एक फॉर्मिडेबल कॉम्बेटेंट बना दिया किसी भी इंडिविजुअल एनिमी के अगेंस्ट। वीकनेस। अब बात करते हैं उसके वीकनेस के बारे में। जो वीकनेस आमतौर पर सारे वैम्पायर्स में होती है, वही वीकनेस मिचेल मॉर्बियस में थी जो कि थी ब्लड की। अगर वो हफ्ते में एक बार फ्रेश ब्लड इंजेस्ट नहीं करता तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता और अपने ऊपर का कंट्रोल खो देता और इस वजह से वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता। लेकिन वो कभी भी सनलाइट में मारा नहीं जा सकता था, इस वजह से उसे हराना मुश्किल था। लेकिन सनलाइट में उसके आंख और स्किन सेंसिटिव हो जाते थे जिस वजह से वो थोड़ा वीकन तो हो ही जाता था। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ ये कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में मुझसे कुछ डिटेल्स मिस हो गई हो। तो अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट करें। और अगर आप किसी ऐसे ही सुपर हीरो के बारे में या फिर सुपर हीरो के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन के बारे में जानते हैं तो ओरिजिन के लिए मुझे कमेंट करें। तो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।